हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल बिसाइड पूजा शर्मा फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट मॉडर्न पीरियड 20th सेंचुरी विच इज़ इन BA थर्ड ईयर स्टूडेंट सिलेबस ऑफ MDS यूनिवर्सिटी. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा जो मॉडर्न पीरियड है वो 1900 से 1961 तक है. वैसे मैंने आपको पहले भी जब विक्टोरियन एज के पे वीडियो बनाया था तो बताया था कि कोई भी एज रातों रात शुरू और रातों रात ख़त्म नहीं होता है. तो हम मॉडर्न एज का भी टाइम पीरियड 1900 से 1961 तक मानेंगे, बट बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग भी मिलेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. मॉडर्न एज स्टार्टेड फ्रॉम बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. पॉलिटिकल हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, इमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस, वुमेन ऑफ वुमेन राइट्स इश्यूज़. बहुत सारी औरतें हैं जो बोलने लग गई थी अपने राइट के लिए कि हमें हमारा राइट मिलना चाहिए. इमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस, न्यू नेशंस के इमरजेंस हुए थे. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का भी टाइम चल रहा था, तो इसका पूरा इम्पैक्ट किस पे पड़ा? हमारे मॉडर्न एज के राइटर्स पे. देन लिटरी हिस्ट्री क्या थी? अ मेजर लिटरी मूवमेंट स्टार्ट इन अर्ली 20th सेंचुरी, इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड कार्ल मार्क्स थ्योरीज. ये चार्ल्स डार्विन की और कार्ल मार्क्स की थ्योरी से बहुत इन्फ्लुएंस हुए. क्यों? क्योंकि चार्ल्स डार्विन और कार्ल मार्क्स दोनों ही किस पे बात करते हैं? जो पुअर लोग हैं उनके एक्सप्लोइटेशन को बंद करना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं, उनके फेवर में बोलना चाहते हैं. तो इनसे हमारे मॉडर्न एज जो राइटर हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हुए. साइकोएनालिटिक थ्योरीज़ भी हमें इसमें देखने को मिली, पढ़ने को मिली. ये क्या है? ये सिगमंड फ्रायड एक साइकोलॉजिकल है, उन्होंने जो एक थ्योरी दी थी उसका नाम है साइकोएनालिटिक थ्योरी, जिसमें आप पढ़ेंगे इड, ईगो, सुपर ईगो. आप सब ने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में इड, ईगो और सुपर ईगो. इड का मतलब कि हमको कोई चीज़ जो है वो चाहिए, सुपर ईगो कि हम उसके बारे में सोचें ही नहीं, और ईगो कि हम उस पर वर्क करें उसको लेने के लिए. तो ये साइकोनेटिक थ्योरीज में थी. नो कनेक्शन विद हिस्ट्री. हिस्ट्री के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं था मॉडर्न एज का. ये खुद पे बेस्ड लिखते थे. देन क्या हुआ मॉडर्न एज में? मूवमेंट्स, व्हाई दिस मूवमेंट स्टार्ट, क्यों ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? व्हेन राइटर्स फेल्ट दे रिक्वायर्ड न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग. राइटर्स ने ऐसा फील किया कि हमें न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग लिखनी है, मतलब हमें कुछ अपना नया लिखना है. डिसइल्यूशनमेंट ऑफ विक्टोरियन आइडियाज़, बिलीव एंड देयर वे ऑफ राइटिंग. ये विक्टोरियन एज के राइटर्स जो थे उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, ये उनकी राइटिंग को फेवर नहीं करते थे, ये अपना कुछ नया लिखना चाहते थे. ये विक्टोरियन एज के आइडियाज़ को, बिलीव को, उनके वे ऑफ राइटिंग को बिल्कुल मानते नहीं थे. देन द एज ऑफ डिसइल्यूशनमेंट, ऑब्वियसली मॉडर्न एज के जो राइटर हैं वो विक्टोरियन एज के फेवर में नहीं है, तो ये एज ऑफ डिसइल्यूशनमेंट हो गया. एज ऑफ मशीन, ऑब्वियसली मॉडर्न एज में बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मशीनिज्म हुआ, तो एज ऑफ मशीन बोल दिया इसको. एज ऑफ इनोवेशंस, बहुत सारे इनोवेशंस हुए, आविष्कार हुए, देन एज ऑफ इनोवेशंस को बोला गया. एज ऑफ इंट्रोगेशंस, द एज ऑफ वॉर, एज ऑफ डिस्टिंगेशन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं क्योंकि ये सब इनका इम्पैक्ट था. देन आयरनी एंड सटायर एज अ टूल ऑफ पॉइंट आउट फॉल्ट प्रॉब्लम्स विद इन सोसाइटी. हाँ, आप सब लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपको पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयरनी एंड सटायर. आयरनी और सटायर जो है वो टूल ऑफ पॉइंट आउट फॉल्ट्स. आयरनी और सटायर के थ्रू हमारे जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी नॉवल में पॉइंट आउट किया फॉल्ट्स को, प्रॉब्लम्स को जो सोसाइटी में चल रही थी. सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उन्होंने उनको आयरनी और सटायर के थ्रू बताया, मतलब व्यंग्य किया उन पे. देन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इज दैट इट इज ऑपोजिशन ऑफ द विक्टोरियन राइटर. ऑब्वियसली ये विक्टोरियन राइटर के ऑपोजिशन में थे. एट द एंड ऑफ विक्टोरियन एरा देयर वॉज फेल्ट द नीड ऑफ चेंज इन द स्पेयर ऑफ लिटरेचर. इनको अब फील होने लग गया मॉडर्न एज के राइटर्स को कि हमें विक्टोरियन एज के फेवर में नहीं रहना है, उनको फॉलो नहीं करना है, हमको अपना नया एज बनाना है, हमको कुछ नया लिखना है और हमको कुछ नया लिटरेचर लिखना चाहिए. देन क्या हुआ? द मॉडर्न राइटर्स कुड नो लॉन्गर राइट इन द ओल्ड मैनर. बिल्कुल जैसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा था कि ये हिस्ट्री को बिलीव नहीं करते थे, हिस्ट्री पे फॉलो नहीं करते थे, सेम चीज़ यहाँ पॉइंट को चेंज करके लिखी गई है कि द मॉडर्न राइटर्स कुड नॉट नो लॉन्गर राइट इन द ओल्ड मैनर. ये ओल्ड मैनर में नहीं लिखते थे. राइटर्स ऑफ द 20th सो द कमिंग फ्यूचर ऑफ द गोल्डन एज. ये सोचते थे हमारे जो मॉडर्न एज के राइटर हैं कि जो फ्यूचर आने वाला है
वो गोल्डन एज होगा, उसमें कुछ अच्छा हमको देखने को मिलेगा। आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट हुए है ना, पेंटिंग्स और ये सब चीज़ें इसको इसमें देखने को मिलेगी एज में। देन क्या है, दिस विक्टोरियन आइडिया ऑफ परमानेंसी वॉज रिप्लेस्ड एमंग द 20th सेंचुरी राइटर्स बाय द सेंस दैट नथिंग इज फिक्स्ड एंड फाइनल इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली ये इस पॉइंट में कहना चाह रहे हैं कि विक्टोरियन एज के जो राइटर थे वो मानते थे सब कुछ परमानेंट है, परमानेंसी है, बट हमारे जो राइटर हैं उन्होंने इस चीज़ को रिप्लेस किया 20th सेंचुरी के राइटर ने, और बोला कि नथिंग इज फिक्स्ड एंड फाइनल इन द वर्ल्ड, कुछ भी फिक्स और फाइनल नहीं है वर्ल्ड में। देन द विक्टोरियंस बिलीव्ड इन द सेंसिटी ऑफ द होम लाइफ बट इन 20th सेंचुरी द सेंटीमेंट्स ऑफ फैमिली लाइफ डिक्लेन्ड। जो विक्टोरियन एज के राइटर थे वो क्या सोचते थे कि शांति जो है वो घर में ही है, होम लाइफ में शांति है, बट इन 20th सेंचुरी द सेंटीमेंट्स ऑफ फैमिली लाइफ डिक्लेन्ड। पर 20th सेंचुरी में आते आते ऐसा हो गया कि जो राइटर्स हैं 20th सेंचुरी के उनको फैमिली के साथ इतना अटैचमेंट नहीं रहा। देन साइंस एंड आर्ट्स रियली इन्फ्लुएंस द मॉडर्न मैन। ऑब्वियसली साइंस और आर्ट्स का बहुत ज़्यादा इसमें हमको देखने को मिला, कुछ इनोवेशंस देखने को मिले, क्योंकि मॉडर्न एज को ये साइंस और आर्ट्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही थी। साइकोलॉजी ऑल्सो इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने पहले बताया था कि साइको एनालिटिक थ्योरी हमें सिगमंड फ्रायड की पढ़ने को मिली, ऐसे ही लोग साइकोलॉजिकल माइंड से सोचने लग गए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो भी इन्फ्लुएंस हुआ। द साइको एनालिटिक थ्योरीज ऑफ सिगमंड फ्रायड बिकम मोर पॉपुलर एंड वाइडली रीड। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि सिगमंड फ्रायड उनकी साइको एनालिटिक थ्योरीज काफ़ी पॉपुलर हुई और हमको पढ़ने को मिली। देन टी एस एलियट वॉज डोमिनेंट फिगर, ये हमारे मॉडर्न एज का सबसे मेजर राइटर है टी एस एलियट, ये एक डोमिनेंट फिगर था मॉडर्न एज का। द वेस्ट लैंड हिज फेमस पोएम, और इसकी जो फेमस पोएम है वो वेस्ट लैंड है, ये बहुत 1922 में ये पोएम पब्लिश हुई, ये बहुत अच्छी और बहुत फेमस पोएम रही है हमारे मॉडर्न एज की। टोटली अगेंस्ट विक्टोरियनिज्म एंड रोमेंटिसिज्म, ऑब्वियसली मॉडर्निज्म जो थे वो टोटली अगेंस्ट थे विक्टोरियनिज्म के और रोमेंटिसिज्म के। द 20th सेंचुरी पोइट्स हु वर इन रिवोल्ट अगेंस्ट विक्टोरियनिज्म, ऑब्वियसली जो अगेंस्ट थे तो उनके रिवोल्ट में रहे। देन इन द 19th सेंचुरी पोइट्री द मेन करेक्टरिस्टिक वॉज प्री ऑक्यूपेशन विद अ ड्रीम वर्ल्ड। 19th सेंचुरी में क्या था, पोइट्री मेन ऑक्यूपेशन था किसका, ड्रीम वर्ल्ड, मतलब पोइट्री ज़्यादा लिखी जाती थी। अंडर द न्यू कंडीशन मॉडर्न पोइट्स कुड नॉट टू टेक ड्रीम हैबिट सीरियसली, और ये जो 19th सेंचुरी के जो राइटर्स थे ये क्या करते थे, ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा रहते थे, फैंटेसी भी ज़्यादा लिख रहे हैं, है ना, फैंटेसी वर्ल्ड पे ज़्यादा लिख रहे हैं, पोएम्स लिख रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं, और हमारे जो राइटर्स हैं ये बिल्कुल भी फैंटेसी वर्ल्ड में बिलीव नहीं करते हैं, ये ड्रीम वर्ल्ड में बिलीव नहीं करते हैं, कुड नॉट टेक ड्रीम हैबिट सीरियसली, सीरियसली ये नहीं लेते हैं। देन एर्नोल्ड वॉज नॉट क्वालिफाइड टू गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द पोइट्री, एर्नोल्ड ने कोई भी नया डायरेक्शन नहीं दिया है पोइट्री को। ये एर्नोल्ड कौन से एज का राइटर है, विक्टोरियन एज का, उसके बारे में बोला जा रहा है। एर्नोल्ड वॉज नॉट क्वालिफाइड टू गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द पोइट्री, एर्नोल्ड ऐसा नहीं था जिसने कोई पोइट्री को नया डायरेक्शन दिया हो। ब्राउनिंग हैड नो एप्टीट्यूड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, फिर ब्राउनिंग भी हमारे मॉडर्न एज विक्टोरियन एज का राइटर है, उसके बारे में भी बोला जा रहा है कि ब्राउनिंग हैड नो एप्टीट्यूड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि उसको नहीं पता है कि मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो नहीं समझ पा रहा है। देन इट वॉज एसेंशियल दैट अ न्यू टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेटिंग मीनिंग बी डिस्कवर्ड, पर हमारे मॉडर्न एज के राइटर हैं वो बोल रहे हैं इट वॉज एसेंशियल दैट अ न्यू टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेटिंग मीनिंग बी डिस्कवर्ड, कि नई चीज़ें डिस्कवर्ड होनी चाहिए इस एज में। देन विच वॉट अबाउट द मूवमेंट नोज एज इमेजिज्म एंड सिम्बोलिज्म इज मॉडर्न पोइट्री, फिर इमेजिज्म एंड सिम्बोलिज्म टाइप के मूवमेंट्स आए, इमेजिज्म मूवमेंट्स, कुछ कुछ पेंटिंग सिम्बल्स, सिम्बल को देखते हुए पेंटिंग्स, ऐसे कुछ कुछ मूवमेंट्स आए। मॉडर्न पोइट्स एक्सरसाइज टू गेट अ फ्रीडम इन चॉइस ऑफ न्यू थीम्स, और मॉडर्न जो पोइट्स हैं वो क्या चाह रहे थे, फ्रीडम चाह रहे थे अपनी राइटिंग्स में, है ना, अपनी खुद के अकॉर्डिंग चूज करके लिखना चाह रहे थे। देन यूज़ न्यू एंड वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स थीम एंड इश्यूज़, ऑब्वियसली वो चाह रहे थे कि हम कुछ पुराना नहीं लिखें, हम हिस्ट्री पे नहीं जाएं, है ना, हम कुछ क्लासिकल नहीं लिखें, हम अपना कुछ नया लाएं, तो वो अपने नए सब्जेक्ट्स लाते हैं, नई थीम्स लाते हैं और नए इश्यूज़ लाते हैं लिखने के लिए। टोटली अगेंस्ट द विक्टोरियन एंड रोमेंटिक पोइट्री, ऑब्वियसली ये हमारा जो मॉडर्न एज है वो टोटली अगेंस्ट है विक्टोरियन एज के और रोमेंटिक पोइट्री के। देन द डिसअपीयरेंस ऑफ रिलीजियस फेथ, डिसअपीयरेंस है रिलीजियस फेथ का, वो लोग इतने रिलीजियस नहीं है मॉडर्न एज के राइटर जो हैं, इतना किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करते हैं।
रेगुलर मीटर हैव बीन डिस्कार्टेड. और पहले क्या होता था, पोइट्री में रेगुलर मीटर्स चलते थे, बट अब हमारी पोइट्री कैसी होगी, फ्री वर्ड्स. इवन आपके BA थर्ड ईयर के सिलेबस में जो आप लिटरेरी टर्म पढ़ रहे हैं, तो आपको फ्री वर्ड्स की डेफिनेशन भी है. तो वो इसीलिए है क्योंकि मॉडर्न एज के जो राइटर हैं वो इसी फ्री वर्ड्स पे बिलीव करते हैं, वो कोई रेगुलर मीटर अपनी पोइट्री में नहीं चाहते हैं. नो रेगुलर राइमिंग स्कीम, बिल्कुल भी उनको रेगुलर राइमिंग स्कीम नहीं चाहिए. जक्स्टापोजिशन ऑफ आइडियाज़, वो अपने जो आइडियाज़ है उसमें जक्स्टापोजिशन चाहिए उनको. यूज़ ऑफ फ्री वर्ड्स, ऑब्वियसली उनको फ्री वर्ड्स यूज़ करना है. यूज़ ऑफ आयरनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो अपनी नॉवेल्स में या पोइट्री में आयरनी और सटायर के थ्रू हम लोगों, मतलब रीडर जो है उनका माइंड डेवलप करना चाहते हैं, उनको सोचने के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है. यूज़ ऑफ मेटाफॉर्म्स, और ये मेटाफर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं. जैसे मेटाफर्स का डेफिनेशन हमने BA फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो आप लोगों को पता है मेटाफर्स क्या है. इमेजेस और सिम्बोलिज्म, इनके इवन इस मॉडर्न एज में बहुत सारे आपको नए नए तरह के कुछ कुछ ये टाइम देखने को मिलेगा, जैसे इमेजेस में है, सिम्बोलिज्म है, इनके बारे में हम जानते हैं. लिटरेरी मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी, ये जो इमेजेस में है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम. दिस मूवमेंट वॉज एक्टिव फॉर 10 ईयर्स, ये 10 ईयर के लिए एक्टिव रहा था. कौन सा मूवमेंट? इमेजेस मूवमेंट. फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द विक्टोरियन एंड रोमांटिक पोएट्री. फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था किसके अगेंस्ट था, ये विक्टोरियन एंड रोमांटिक पोएट्री के अगेंस्ट आया था इमेजेस मूवमेंट. द इमेजेस टू रिजेक्ट द 19th सेंचुरी पोएटिक फॉर्म एंड लैंग्वेज. इन्होंने जो इमेजेस के जो भी राइटर थे उन्होंने क्या रिजेक्ट किया, 19th सेंचुरी पोएटिक फॉर्म एंड लैंग्वेज, 19th सेंचुरी की पोएटिक फॉर्म और लैंग्वेज को रिजेक्ट किया. द इमेजेस रिजेक्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ विक्टोरियन एंड रोमांटिक पोएट्री. इन्होंने जो सेंटिमेंट थे किसके, विक्टोरियन पोएट्री के, उनको रिजेक्ट किया. देन दे यूज द कॉमन लैंग्वेज, ये कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते थे जो सबके समझ में आ सके, है ना. कुछ स्पेशल लैंग्वेज इनको यूज़ नहीं करनी होती थी, आर्किक लैंग्वेज इनको यूज़ नहीं करनी होती थी. दे यूज एग्जैक्ट वर्ड्स इंस्टेंट ऑफ डेकोरेटिव वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करते थे ये समझाने के लिए रीडर को, ना कि कोई डेकोरेटिव वर्ड्स यूज़ करते थे, ठीक है. दे क्रिएट न्यू रिदम्स, ये अपने खुद के न्यू रिदम्स चाहते थे. अकॉर्डिंग टू देम पोएम्स आर वर्क्स ऑफ आर्ट एंड नॉट पीसेज ऑफ इमोशनल. एक्चुअली जो इमेजेस में हैं वो बोल रहे हैं, उसके राइटर बोल रहे हैं कि जो पोएम्स है वो क्या है, वर्क्स ऑफ आर्ट है, वो एक्चुअल वर्क ऑफ आर्ट. उसमें अगर कोई पढ़े रीडर, उसको फीलिंग आनी चाहिए कि वो आर्ट कुछ पढ़ रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं, ना कि उसको इमोशनल होना चाहिए. मतलब ऐसी पोएम लिखी जाए जो हमें इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा नहीं दे, जबकि हमें उसको पढ़ के फील हो कि वो कुछ आर्ट का अच्छा सा लिटरेचर लिखा गया है. ऐसा कौन बिलीव करते हैं, इमेजेस के राइटर्स जो कि मॉडर्न एज में है. अ रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ 20th सेंचुरी. रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली वो चाहते हैं हम कुछ अपना नया लिखें, नई लैंग्वेज पे लिखें. लीडर ऑफ इमेजेस वॉज एज्रा पाउंड, अदर पोइट्स वर एफस फ्लिंट, जेम्स जॉयस, एक्सेप्टा. ये तीन आपके राइटर के एग्जाम्पल दे के नाम दिए गए हैं कि एज्रा पाउंड जो हैं वो लीडर थे इमेजेस के, एफस फ्लिंट हैं, जेम्स जॉयस हैं, और हैं बहुत सारे, ये हैं. देन सिम्बोलिज्म पे हम बात करते हैं, हमने इमेजेस में भी बात कर ली. इमेजेस में वाले बोल रहे हैं कि आप विक्टोरियन एज की पोएम्स की जो राइटिंग है उसको फॉलो मत करो, वो लोग जस्ट इमोशनल होके लिख रहे हैं, पर हमें जो लिखना है वो आर्ट लिटरेचर, एक्चुअल जो लिटरेचर है उस पर लिखना है, और हम एग्जैक्ट वर्ड लिखते हैं, हम डेकोरेटिव वर्ड्स नहीं लिखते हैं. अब सिम्बोलिज्म क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टार्टेड इन फ्रांस. सिम्बोलिज्म जो है वो फ्रांस में सबसे पहले स्टार्ट हुआ. रिप्रेजेंटिंग थिंग्स बाय मीन्स ऑफ सिम्बल्स, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को मीन्स ऑफ सिम्बल्स, सिम्बल्स के थ्रू, प्रतीक. आप सब समझते हैं सिम्बल को इंग्लिश हिंदी में प्रतीक कहते हैं, तो ये जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिम्बल्स के थ्रू. द सिम्बोलिस्टिक फाउंड ब्यूटी इन एवरी डिटेल ऑफ नॉर्मल डे बाय डे लाइफ. और ये क्या करते हैं, जो लोगों की नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल डे बाय डे लाइफ है, उनकी पिक्चर्स बनाते हैं, उनके सिम्बल्स बनाते हैं, उनके थ्रू ये रीडर को समझाना चाहते हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है. द सिम्बोलिस्टिक डज नॉट कंसिडर एनी पर्टिकुलर टॉपिक, डिक्शन और रिदम टू बी यूज इन पोएट्री. ये क्या यूज़ नहीं करते, कंसिडर नहीं करते किन चीज़ों पे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं देखते हैं ये, डिक्शन नहीं देखते हैं, मतलब कुछ भी वर्ड्स अच्छे अच्छे नहीं देखते हैं कोई पर्टिकुलर, और रिदम टू बी यूज इन पोएट्री, और ये नहीं देखते हैं कि हमको कुछ अच्छा सा यूज़ करना है.
देन क्या होता है, राइम वगैरह ये कुछ भी अपने पर्टिकुलर यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो सोसाइटी में देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये अपना वर्क कर रहे हैं, अपना आर्ट ऑफ पीस बना रहे हैं, और आर्ट ऑफ पीस से हम रीडर्स को ये कुछ सोसाइटी के बारे में सिखाना चाह रहे हैं। द टेक्निक ऑफ द सिम्बोलिस्ट इज इम्प्रेशनिस्टिक नॉट रिप्रेजेंटेशनल। इनका क्या है, द टेक्निक ऑफ द सिम्बोलिस्ट, इनकी टेक्निक क्या है, इज इम्प्रेशनिस्टिक नॉट रिप्रेजेंट। ये इम्प्रेशन करते हैं, इम्प्रेशन देते हैं, हमें इम्प्रेशन जमाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल के बजाय इम्प्रेशन जमा रहे हैं। द सिम्बोलिस्टिक पोइट्री इन इंग्लैंड केम इन टू प्रोमिनेंस विद द अपीयरेंस ऑफ टी एस एलियट्स द वेस्टलैंड। हम जब ये पोएम पढ़ेंगे, वेस्टलैंड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट ये आपको आई एम श्योर अगर आप लिटरेचर से मास्टर्स करते हैं तो आपको ये पोएम जरूर पढ़ने को मिलेगी। ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, तो इसमें पूरा वेस्टलैंड, नाम से पता चल रहा है ना, ऐसी लैंड जो वेस्ट हो चुकी हो, और ऐसी लैंड जो वेस्ट हो चुकी हो वो क्या है, मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में जो भी सोसाइटी में चल रहा है, रेप चल रहा हो या जो भी यू नो कुछ भी चल रहा हो, तो वो सब इस पोएम में हमारे टी एस एलियट ने दिखाया है। द सिम्बोलिस्टिक पोएट्री इन इंग्लैंड केम इन टू प्रोमिनेंस विद द अपीयरेंस ऑफ टी एस, जब टी एस एलियट की वेस्टलैंड पोएम आई, तब लोगों को पता चला कि मॉडर्न एज एक्चुअल में आ चुका है, क्योंकि इसने अपनी पोएम में सब कुछ दिखाया जो अभी हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन मान लो, या लोग कैसे भी हैं, किसी को किसी की केयर नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई कल्चर्ड मैनर नहीं है, सब कुछ ऐसे ही जस्ट गो विद द फ्लो, ऐसे ही चल रहा है, वैसा इन्होंने बिल्कुल शो किया है। येट्स जाइल्स एक्सेट्रा वर्ड सिम्बोलिस्ट, और फिर सिम्बोलिस्ट के कुछ कुछ पोइट्स के नाम दे दिए, जैसे डब्ल्यू बी येट्स, उनकी पोएम हमने पढ़ी थी, द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, जेम्स जॉयस एक राइटर हैं, वो सब सिम्बोलिस्ट हैं। देन पोइट्स हैं हमारे कि कौन से एज के, मॉडर्न एज के, तो मैंने आपको बताया था कि टी एस एलियट, थॉमस टर्नर्स एलियट, जो कि बहुत मेजर पोइट हैं, उनका लाइफ स्पैन है 1888 टू 1965, बॉर्न इन USA, चीफ रिप्रेजेंटेटिव एंड डोमिनेंट फिगर, ग्रेट क्रिटिक, क्लास सोशल फिलोसफर, एजुकेटेड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इनके बारे में पूरा आपको बता दिया गया है कि ये क्या थे, ग्रेट क्रिटिक थे, क्लासेस थे, फिलोसफर थे। देन उनके वर्क, किनके वर्क, टी एस एलियट के, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट पोएम इज वेस्टलैंड, उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है वो कौन सी है, वेस्टलैंड। द पोएट सर्वेज द डेसोलेट सीन ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने इस पोएम में जो भी वर्ल्ड में इस तरह के सीन चल रहे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, जिनको लोगों को पता होना चाहिए, सोसाइटी को, उन्होंने शो किया है। अदर पोएम्स, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रिफॉग, बर्ड नॉटन, ईस्ट कोकर, द ड्राई स्लेवेज, देन किसके बारे में बात हो रही है, डब्ल्यू बी येट्स के बारे में, हमने इनकी पोएम द वाइल्ड स्वान्स एट कूल पढ़ी है, और अ प्रेयर फॉर माई डॉटर भी आपके सिलेबस में पोएम है। देन इनका है, ये एक आयरिश है, ही वॉज एंटी रैशनलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ सेल्टिक मूवमेंट, ए सिम्बोलिस्ट, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, येट्स रॉट इन रियलिस्टिक डायरेक्शन, ये रियलिस्टिक डायरेक्शन में लिखते हैं, इन्होंने जो भी पोएम्स लिखी है वो रियलिस्टिक डायरेक्शन में लिखी है, इनकी खुद की या तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, जैसे हमने द वाइल्ड स्वान्स एट कूल पढ़ी थी, तो वो किस पे है, इनका इनको जो भी लड़कियों से प्रपोजल नहीं मतलब एक्सेप्ट हुआ था उन पे लिखी, या फिर ये अपने जो सन है उनके जो एयरप्लेन में एक्सीडेंट हो गया था उसको लेके सैड है, उस पे इन्होंने पोएम लिखी। देन हिज वर्क The Wanderings of Ocean, the poet pleads with the element's power, a symbolism poem, other poems hai, Shadowy Waters, The Winding Stair, The Tar, The Wind at Cool. Then, trench poets or war poets, isme humko ye bhi pata hone chahiye ki obviously World War First aur World War Second dono hi modern age ke time chal rahe hain. तो इनमें जो भी poets थे, जैसे Siegfried Sassoon, Wilfred Owen, then other famous poets, Robert Bruce, G.M. Hopkins, A. Houseman, Ezra Pound, ये poem है। Theme क्या क्या थी हमारे modern age की, satirical, obviously satirical, ये satire करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि irony और satire उन्होंने करके reader को ये बताना चाहे कि society की condition कैसी थी। War, World War First और World War Second जो है वो इसी period में चल रहे थे modern age में, तो उसका बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ना ही था, जो भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वायलेंस हुआ या वर्ल्ड वॉर सेकंड में वायलेंस हुआ वो उसका इम्पैक्ट पूरा है। सोशल इनजस्टिस हो रहा था जिसके साथ भी, जैसे वुमेंस का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है या जो भी हो रहा है,
वो सब इसमें था। आर्ट्स पेंटिंग आई है ना, जैसे हमारे इमेजेस में सिम्बॉलिज्म में ये मूवमेंट आए, तो इन मूवमेंट के थ्रू हमको आर्ट सीखने को मिला। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आप कुछ भी पीछे का मत लिखो, हिस्ट्री मत लिखो, आप कुछ खुद का अपना नया कुछ लेकर आओ, तो वो आर्ट्स में आता है। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात होने लगी, लोग जागरूक होने लगे, एनलाइटनमेंट आया लोगों में कि हम हमारे को हमारे राइट्स चाहिए, किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं ब्लाइंडली। लाइफ, लोगों की लाइफ कैसी थी, डिससेटिस्फेक्शन, जो लोगों का डिससेटिस्फेक्शन था है ना, वो सब इसमें आता है। फ्यूचरिज्म, जो भी बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। देन मॉडर्न नॉवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर लिटरेरी मीडियम मॉडर्न नॉवल, ओनली लिटरेरी फॉर्म विच कैन कम्पीट फॉर पॉपुलरिटी विद द फिल्म एंड द रेडियो, ओनली लिटरेरी फॉर्म विच मीट्स द नीड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। द मॉडर्न मैन ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस इज नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएट्री। ये साइंस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न राइटर। द मॉडर्न मैन प्रिफर्स द नॉवल फॉर्म, इन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया, नॉवल फॉर्म को। ठीक है, द मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज, द न्यू टेक्नोलॉजीज, ऑब्वियसली साइंटिफिक डिस्कवरीज होगी, मॉडर्न एज है, न्यू टेक्नोलॉजीज आएगी, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आई। द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैंने आप पहले ही बताया था कि सिगमंड फ्रायड का जो साइको एनालिटिक थ्योरी आई थी उसके थ्रू लोगों में डेवलपमेंट हुआ साइकोलॉजी का। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक आई थी कि आपके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है ना, वो टेक्निक आई थी जो जेम्स जॉयस ने दी थी। ठीक है, सबसे पहले विलियम ने दी थी, देन जेम्स जॉयस ने अपनी नॉवल में दी है। वर्जीनिया वुल्फ जो कि मॉडर्न एज की जो फीमेल राइटर हैं, उन्होंने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है। बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉवल टेक्निक इन द 20th सेंचुरी, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है उसको विलियम जेम्स ने 1922 में सबसे पहले ये टर्म दी थी, स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बट इसका यूज़ हमारे राइटर मॉडर्न एज के जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटर ने किया है। इसका मीनिंग है आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसमें क्या चल रहा है, उस पर नॉवेल्स लिखी गई है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। देन मॉडर्न, देन आप देखेंगे द मॉडर्न नॉवल इज़ रियलिस्टिक अपोज टू आइडियलिस्टिक। ऑब्वियसली ये ज़्यादातर रियलिस्टिक पे बिलीव करते थे, रियल नॉवल ज़्यादा लिखी गई, और रियल जो नॉवल होगी वो आइडियलिस्टिक के बिल्कुल अपोजिट ही होगी। द मॉडर्न नॉवल इज़ साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल नॉवल्स होती थी, हमें सोचने के लिए मजबूर करती थी, या जो नॉवल में कैरेक्टर्स होते थे उनका साइकोलॉजिकल माइंड कैसा चल रहा है वो बताया जाता था, उनका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उनका कॉन्शियसनेस कैसा है वो बताया जाता था। देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिगमंड फ्रायड थ्योरीज, द मॉडर्न नॉवल टेंड्स टू रिवील द हिडन इनर मोटिव्स बिहाइंड पीपल्स एक्शन। ऑब्वियसली यही चीज़ है कि सिगमंड फ्रायड की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अगर नॉवल पढ़ते हैं मॉडर्न एज की, तो हमें ये फील होगा कि जो कैरेक्टर है उसके अंदर क्या चल रहा है, इनर फीलिंग उसकी क्या चल रही है, एक्शन वो क्या कर रहा है, इनर फीलिंग क्या चल रही है, उन दोनों में हमें डिफरेंस पता चलेगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैंने बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मॉडर्न एज की, ये क्या थी, दिस टर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय विलियम जेम्स। मैंने पहले भी बताया था कि विलियम जेम्स ने 1922 में ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म है ये क्या की थी, पॉइंट की थी, यूज इन नॉवल्स में यूज होती थी। अ टेक्निक दैट रिवील्स द कैरेक्टर कम्प्लीटली हिस्टोरिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली, ये क्या करती थी टेक्निक, रिवील्स करती थी कैरेक्टर का कम्प्लीटली हिस्टोरिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकल माइंड से, हिस्टोरिकल माइंड से, दोनों से, यूज बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस। मैंने आपको बताया था कि वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया था अपनी नॉवल्स में। देन मॉडर्न नॉवलिस्ट द एंसेस्टर है ना, मॉडर्न नॉवल्स जो भी उनको देखने को मिलेगी है ना, द ट्रांजिशनलिस्ट, द मॉडर्न्स, द एंसेस्टॉन्स, नॉवलिस्ट हु डोमिनेंट द अर्लियर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, इन्होंने डोमिनेंट किया अर्लियर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी को। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ये एक नॉवलिस्ट थे, मोस्ट इंटेलेक्चुअल थे, इंसिस्टेड दैट क्लासिकल ह्यूमनिज्म शुड बी डिस्कार्टेड इन फेवर ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी, नो लॉयल्टी टू द पास्ट, ये कोई भी पास्ट पे नहीं बिलीव करते थे। उनके वर्क हैं, देयर नॉवल्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, साइंटिफिक रोमांस, डोमेस्टिक नॉवल्स, साइकोलॉजिकल नॉवल्स, सब समझते हो साइंटिफिक नॉवल्स रोमांस कौन से होंगे, डोमेस्टिक जो घरेलू होती है, सोशियोलॉजिकल नॉवल, एक्चुअली जो भी सोशियोलॉजिकल नॉवल है वो, साइंटिफिक रोमांस क्या होता है, अनरिवील्ड मास्टरपीस ऑफ इमेजिनेटिव पावर। ठीक है, नॉवल्स कौन कौन सी है, द टाइम मशीन,
हीरो इन्वेंटेड टाइम मशीन एंड एस्केलेटर द एंड प्रोजेक्ट हिमसेल्फ इन द फ्यूचर. साइंटिफिक रोमांस आप टाइम मशीन मूवी भी है, देखना. एच जी वेल्स राइटर थे जिन्होंने टाइम मशीन लिखी है. आप मूवी भी देख सकते हैं, हॉलीवुड मूवी. आपको पता चलेगा क्या होता है साइंटिफिक रोमांस. अदर नॉवेल्स द आयरलैंड एंड डॉक्टर मोरिन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, द इन्वेंशन ऑफ अर्थ बाय मार्स, व्हेन द स्लीपर वेक्स, द फर्स्ट मैन इन द मून, द फूड ऑफ द गॉड्स, ये सब बहुत सारी नॉवेल्स हैं. डोमेस्टिक नॉवेल्स कौन सी है? फेमिलियर विद द लाइफ इन लंडन. ऑब्वियसली डोमेस्टिक नॉवल मतलब घर गृहस्थी, तो जो भी लंडन की लाइफ में जो चल रहा था वो. जैसे उसके कुछ नॉवेल्स के एग्जांपल्स हैं, कीप्स का है कॉमेडी ऑफ क्लास इंसिडेंट फुल ऑफ सटायर एंड ह्यूमर, टोनो बंगाल है ना, ऐसे ही एना वेरिना, लव एंड मिसेस लेविशमैन, द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पोली. सोशियोलॉजिकल नॉवल्स, सोशियोलॉजिकल नॉवल में क्या है? सोशल प्रॉब्लम कॉन्फ्रंटिंग द मैन ऑफ हिज टाइम नॉवल्स है. द न्यू मैकियावेली, स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल क्रीड्स, मिस्टर ब्रिंटलिंग सीज थ्रू द 1916 रिएक्शन ऑफ पीपल टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द अनडाइंग फायर, रिलीजियस एंड सेट्रिक फैंटेसी है ये. देन अदर एंसेस्टर्स हैं अर्नोल्ड बेनेट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉन्रेड, किपलिंग्स, ट्रांसेंडर. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन मूवमेंट था, चांसन ट्रांसिशनलिस्ट. द न्यू फोर्सेज रिजल्टेड फ्रॉम द वॉर विच ब्रोक द ओल्ड ट्रेडिशंस, जिसमें जेम्स जॉयस है, आयरिश पोइट थे ये. इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया था. यूनिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस सिम्बोलिस्ट थे ये, बहुत अच्छा लिखते थे. इनका बहुत फेमस नॉवल है यूलिसिस, जो कि बैन भी हो गया था. बॉर्न लिंग्विस्ट, हाईली गिफ्टेड, वर्क इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, उन्हीं के बारे में बात है. ठीक है, उनके वर्क्स देखो, मैंने बताया था यूलिसिस जो कि मास्टरपीस था उनका, और उनके फिर कुछ और वर्क हैं, डबलिनर्स, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, एग्जाइल्स, फिर वर्जीनिया वुल्फ आई थी जिसके बारे में भी मैंने बताया था कि इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया था. ये भी वुमन राइटर हैं, इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया. इम्प्रेस्ड बाय यूलिसिस, जो जेम्स जॉयस की यूलिसिस मास्टरपीस था नॉवल, उससे इन्फ्लुएंस हुई थी. गिफ्टेड विद पोएटिक टेम्परामेंट्स, उनकी नॉवल है वॉइस आउट है ना, देन नाइट एंड डे, जेकॉब्स रूम, एक्सपेरिमेंट इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मिस्टर डेलोवी, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, द ईयर्स. अदर ट्रांसलिस्ट है एल्डस हक्सली, जिनका हमने बीए सेकंड ईयर में ऐसे पढ़ा है ना, सेलेक्टेड स्नोबरीज, डीएच लॉरेंस. देन ये मॉडर्न्स हैं, विलियम सॉमरसेट मॉम, ही वॉज नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर. इनका भी आपने बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसे पढ़ा होगा, सॉमरसेट मॉम का. देन ये कुछ नॉवेल्स है, लीजा ऑफ लैम्बेट, ह्यूमन बॉन्डेज, मून एंड सिक्सपेंस, केक्स एंड एल, रेजर्स एज. देन अदर मॉडर्निस्ट, जे बी प्रिस्टली, चार्ल्स मॉर्गन, ग्राम ग्रीन, इनके भी ऐसेज आपने बीए सेकंड ईयर में पढ़े होंगे. थीम्स थी हमारे जो मॉडर्न एज है उसकी, वॉर, सोशल, वुमन राइट, साइंटिफिक. थैंक यू. सो ये हमारा मॉडर्न एज था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आज वैसे भी हमने प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा है, तो जो भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या है मॉडर्न एज, आप इसके खुद के नोट्स बनाएं और आप मॉडर्न एज को अच्छे से एक बार पढ़ें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें, जो भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं उनके नाम लिखें, उस टाइम कौन कौन से एजेस मूवमेंट आए उनके नाम लिखें, कब से कब तक एज था, क्या नया एज में आया, वो सब आप लिखें और अपने नोट्स बनाएं. थैंक यू सो मच.